प्यारे फ्रेंड्स, मेरे पास एक अकाउंट आया पड़ा है कि टिकटॉक का, जिसकी मैं आज सेटिंग करने वाला हूं। और आपको भी बता दूं कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा एनालिटिक्स, तो आपने ये कैसे लाना है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या, मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे फ्रेंड्स, आपकी कुछ वीडियो है यहाँ पे, कुछ जो वीडियो है, तो आपने इनमें से देखना है कि कौन सी वीडियो जो है हमारी रैंक हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके एनालिस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, फॉर यू में आपकी वीडियो कितने फ़ीसद गई है। अगर आप जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो कुछ टाइम बाद उनको चेक करते हैं, उनमें से कुछ आपका फॉर यू में अगर फ़ीसद गया है, तो आप समझे कि आपकी उस वीडियो का काफ़ी ऊपर जाने के चांस हैं, ठीक है। तो इस एनालिटिक्स को लाने के बाद आप ये जगह देख सकते हैं, जितनी भी वीडियो उनमें से आप अपना फॉर यू देख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो अपलोड किया, तो यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक कर एनालिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इस वीडियो को भी देखता हूँ कि फॉर यूज है या नहीं। तो यहाँ पे इसको भी हमने तो ये भी दिया, ठीक है। तो इस वीडियो पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आएंगे, और ये व्यूज़ कैसे आएंगे, मैंने इसके लिए एक पहले वीडियो बनाई थी कि हैशटैग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने जैसे हैशटैग लगाना शुरू किया, तो हमारी वीडियो के जो व्यूज़ है आना शुरू हुई। कल वीडियो मैंने अपलोड की, 49 बिल्कुल न्यू अकाउंट इस पर हो गए, ठीक है। अब मेरे पास एक और अकाउंट है जिसकी मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ, और आपको बताता हूँ कि अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है, तो आपने भी इस तरह सेटिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद वो जो अकाउंट है मेरे पास, यहाँ पर मैंने उसको लॉग इन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद अकाउंट मेरे पास ओपन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन हो गया, मैं मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप सबसे फॉलोअर भी देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स वाला सिस्टम जो है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसको लाने के लिए मैनेजर अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर स्विच टू प्रो अकाउंट, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए। आपने यहाँ पर क्रिएटर पर क्लिक करना है, यहाँ पर करने के बाद आपने चले जाना है पब्लिक लीव, यहाँ पे इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फीमेल मेल जो भी है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है फ्रेंड। करने के बाद अब आपने एक्सप्लोर एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एनालिटिक वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में आप देख रहे हैं कि एनालिटिक्स आ गया है। अब हमने एक एक वीडियो को चेक करना है कि हमने हैशटैग जिन वीडियो को लगाए थे, उन पे व्यूज़ कैसे आए। तो हैशटैग कैसे लगाते हैं ये भी चलो मैं आज इस वीडियो में बता दूँ। ये वीडियो है एनालिटिक्स में जाते हैं, तो आप देखेंगे इस वीडियो को, अभी इस वीडियो को उन्होंने अपडेट नहीं किया, कुछ टाइम बाद ये वीडियो अपडेट यहाँ पे हो जाएगी एनालिटिक्स में, क्योंकि एनालिटिक्स के हमने न्यू, तो फिर ये बता देगा आपकी वीडियो जो है फॉर यू में है या नहीं। तो इसी तरह अगर मैं कोई और वीडियो को चेक करता हूँ यहाँ पे, और उसको चेक करने के बाद अब ये चेक करें, ये बिल्कुल नया अकाउंट हमने इस पर चेकिंग की हुई, तो अभी हमने अगर कोई वीडियो पे हैशटैग लगाना है, तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके कोई वीडियो अपलोड की है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी वीडियो है, आप यहाँ से वो वीडियो अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस वीडियो को, मिसाल के तौर पर मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब इस वीडियो के हमने हैशटैग लगाने हैं, जिनकी वजह से हमारी वीडियो फॉर यू में जाएगी। हमने नेक्स्ट कर देने फ्रेंड्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट करें, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन योर वीडियो, यहाँ पे उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने पहले भी बताया था। आपने ये वाला सॉफ्टवेयर हैशटैग प्ले स्टोर पर जाके लिखेंगे हैशटैग, तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपकी वीडियो जो है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, टिकटॉक मिसाल के तौर पे आप पे यहाँ पे मैं टिकटॉक लिखा, आप अपनी मर्ज़ी के जो भी। सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं इसके जो पॉइंट है वो है ये ऊपर वाले पोस्ट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हैशटैग पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे जो काफ़ी हैशटैग मिल जाएंगे। अब मैं इस वीडियो को लगाऊंगा, फिर मैं इस वीडियो के पर एक वीडियो बना के दिखाऊँगा कि मेरी वीडियो पर कितने व्यूज़ कितने टाइम में जल्दी आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये फाइंड कर रहा है हैशटैग, हमें मिल जाएंगे, हमने कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हैशटैग हमें मिल गए, हमने यहाँ पे कॉपी करना है इनको। कॉपी होने के बाद फ्रेंड, फिर हमने यहाँ पे हैशटैग लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद आप देख रहे हैं नीचे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं, तो हमारी जो पोस्ट है रेडी होगी, हम पोस्ट कर देते हैं। अब ये वीडियो कुछ टाइम बाद फॉर यू में गारंटी के साथ आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप अपने अकाउंट को फॉर यू में लाना चाहते हैं अपनी वीडियो को, तो आप इसी तरह हैशटैग लाजमी क्या करें वीडियो का, और एनालिटिक्स का जो ऑप्शन है वो भी लाजमी लगाएं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी वीडियो हैं जिन पे हम फॉर यू में लेके जा सकते हैं, और वीडियो जो है
ट्रेंडिंग में जाने और वायरल होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेरी काफ़ी वीडियो इसी तरह, इस चैनल जो है इसकी मैंने सेटिंग किया है तो इसकी काफ़ी जो वीडियो है फॉर यू में चली गई है, जिसकी वजह से ये जो चैनल है ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया था। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस वीडियो को भी देखते हैं कि फॉर यू में गई है नहीं, क्योंकि इस वीडियो के जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा रहे। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे पाकिस्तान में, इंडिया में और पर्सनल प्रोफाइल फॉलोअर, यहाँ पे ये वीडियो अभी फॉर यू में नहीं गया है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।